हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी सुबह का बज रहा है 7:30, सो करके उठ गए हैं हम लोग और मेरा बेटू इधर खेल रहा है। आजकल गोदी में नहीं रहता है ना, ये जमीन पे खेलता है, इधर उधर दौड़ता है, कूदता है, तो इधर खेल रहा है अभी। ये देखिए, मत मार बेटा, क्यों मार रहा है मेरे को, क्यों मार रहा है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, तेरी मम्मी को बुलाऊं? तेरी मम्मी को बुलाऊं? नहीं, दे दे बेटा, इसको नहीं मारते, इसे नहीं मारते, नहीं 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 नहीं, नहीं। और गाइस, अभी नहा धो करके हम लोग रेडी हो गए हैं और आज मौसम एकदम सुहाना सा हो गया है। देख रहे हैं, बारिश हुआ है अभी। ये देखिए, इधर पूरा पानी वानी भर गया है। और आज है चिरन भाई का बारात। चिरन का छोटा भाई किरण, उसका बारात है आज। तो अभी बारिश हुआ है तो रुका हुआ है अभी, तो देखते हैं कैसा माहौल रहता है। इसके बाद जाएंगे बारात वरात। इधर गाड़ी वाड़ी सब लगा हुआ है, ये देखिए। और मेरी वाइफ डर रही है कि बारिश हो रहा है यार, तो कहाँ 150 किलोमीटर दूर जाओगे, वाड्रफ नगर ना, उससे भी और आगे, उससे भी बसंतपुर या पता नहीं क्या नाम है, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग बारात। तो चलिए देखते हैं, अगर जाएंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को कि पंडो जनजाति में कैसे शादी होता है, कैसा रस्म होता है, क्या होता है। तो चलिए मूड बनाते हैं, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। इधर गाड़ी वाड़ी आ रहा है, लग रहा है बारात जाने के लिए। तो ये देखिए, इधर अभी दूल्हा वाला गाड़ी आया है इधर, और अशोक ड्राइवर। और ये देखिए, इधर बारात निकलने ही वाला है दूल्हा। तो कुछ कुछ अब यहाँ पर रस्म होता है शायद, तो वही रस्म यहाँ पर निभाने वाले हैं। कुछ कुछ कलश वलश लेकर के यहाँ पर खड़े हैं। ये देखिए, अब बहुत सारे महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं नीचे। इसके बाद उसके गोदी में दूल्हा बैठा है। तो ये देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से रस्म होता है। ये देखिए, यहाँ पर इन लोगों का कुछ ऐसा रस्म होता है ना, कि एक रस्म होता है, दातुन कराते हैं, इसके बाद मुंह धोते हैं, इसके बाद रोटी खिलाते हैं। तो बारात जाने से पहले जितने भी माँ, चाची, बुआ, मामी ये लोग होते हैं, तो सारे लोग इस प्रक्रिया को करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, जाने से पहले, बारात निकलने से पहले। इसके बाद चलिए आगे का और दिखाते हैं क्या क्या होता है यहाँ पर। ये देखिए, तैयारी व्यारी चल रहा है इधर। और आज मौसम बहुत गंदा बना दिया है बारिश वाला, तो सोचना पड़ रहा है कि जाएं या ना जाएं, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं, अभी मूड बनता है तो चलेंगे। और गाइस, अभी तैयार व्यार होकर के रेडी हो गए हैं हम लोग। ये देखिए, क्रीम पाउडर लगा करके, और इधर ये देखिए जाने। कहीं नहीं जा रहा बेटा, कहीं नहीं जा रहा। और गाइस, अब फाइनली हम लोग निकल गए हैं बारात के लिए। अब चलिए देखते हैं कितना देर में पहुंचते हैं। इधर उधर रास्ता भटकते हुए जा रहे हैं। और फाइनली गाइस, अभी हम लोग 2:30 बजे पहुंचे हैं बारात। आप लोग सोच सकते हैं 2:30 बजे, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग कई बार रास्ता भटके, और प्लस 150-150 किलोमीटर लगभग दूर। तो अभी पहुंचे हैं 2:30 बजे, लेकिन फिर भी ये देखिए, कुछ भी प्रोसेस नहीं हो पाया है। अभी वरमाला होने चला, क्योंकि सब लोग ऐसे ही भटकते भटकते पहुँचे हैं रात में। और जो ये देखिए, दुल्हा और दुल्हन यहाँ पर वरमाला होने वाला है।
गाइस अब हम लोग ये देखिए इधर खाना वाना खाने के लिए बैठ रहे हैं क्योंकि अभी बहुत लेट में पहुंचे हैं तो बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। मेरी इधर टेबल में सबके लिए खाना वाना लग रहा है। सारे लड़की लोग इधर बैठे हैं ये देखो खाना खाने के लिए। क्या ही बोलें यार, खाना तो खाना पड़ेगा 2 बजे या 3 बजे। और गाइस वरमाला वगैरह हो गया, खाना वाना खा लिए और यहाँ पर देखिए पंडो जाति में इस तरीके का यहाँ पर अलग रस्म होता है। देखिए यहाँ पर के साथ कुछ कुछ हो रहा है यहाँ पर रस्म, मुझे तो नहीं पता। और इसके साथ साथ देख रहे होंगे आप लोग बैकग्राउंड में गाना गा रहे हैं तो वो गाना के माध्यम से दूल्हा को गाली देते हैं ऐसा बोला जाता है। मेरे को तो नहीं पता भाई क्या होता है। तो यही रस्म यहाँ पर चल रहा है ये देखिए। और इधर दुल्हन के घर में आंगन में बॉक्स वगैरह लगा हुआ है साउंड, तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी ज़्यादा डांस वांस कर रहे हैं यहाँ पर लड़की लोग और लड़के लोग। ये देखिए भारी माहौल है भैया यहाँ पर, ये देखो फुल एंजॉय कर रहे हैं। और हुआ क्या ना कि जो बारात आया था तो इधर उधर रास्ता भटकने की वजह से बहुत ज़्यादा रात हो गया ना, तो क्या हुआ कि डीजे वीजे तो इधर उधर कैंसिल हो गया। तो ये देखिए बॉक्स जुगाड़ करके यहाँ पर लगा रहे हैं और मेनली ये देखिए 2 टॉप लगा लिए हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। डीजे कैंसिल हो गया तो क्या करोगे, लेकिन 2 टॉप में ही ये देखो सब लोग डांस कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं, सारे लोग फुल माहौल ले रहे हैं यहाँ पर। ये देखो ये देखिए और इधर अपने लड़के लोग डांस कर रहे हैं इधर। ये देखो स्कूल के पीछे पेपर के नीचे, स्कूल के पीछे पेपर के नीचे तेरा इंतजार करूंगा रे। गुड़िया रे चली आना तुझको ना कर पाना। और ये देखिए अब इधर शादी वादी हो रहा है आंगन में। ये देखिए इधर सारे लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग शादी करा रहे हैं इधर बैठ करके। और इधर दुल्हन और दूल्हा बैठे हुए हैं तो इधर ये देखिए शादी वादी शायद तक हो चुका है। अभी कुछ कुछ और रस्म होता है तो वो सबको कर रहे हैं। तो ये देखिए अभी दूल्हा का जो बड़ा भाई है ना उसका पैर वैर को आलता से रंग रहे हैं, लगा रहे हैं उसमें रंग। इसके बाद पता नहीं और क्या होगा। ये देखिए तो गाइस हम लोग बारात से जा रहे थे रात में ही वापस, और हम लोग का गाड़ी जो था ना वो यार चेकिंग में पकड़ा गया था और हम लोग 5 घंटा तक चिल्लाए। और अभी ढाबा में थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर रहे हैं सारे लड़के लोग इधर रहते थे और अभी जा रहे हैं घर हम लोग। तो और नाश्ता करने के बाद अब निकल गए हैं हम लोग और पिकअप में पीछे साइड टॉप में बैठे हुए हैं। और इधर ये देखो भाई लोग बैठे हैं सामने और इधर हम लोग बॉक्स के ऊपर बैठे हुए हैं, एक बॉक्स है इसमें लोडिंग, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि एकदम खूबसूरत वादियों में सफ़र कर रहे हैं। उधर ये देखिए सामने पहाड़, और पहाड़ का नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अभी जस्ट हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं घाट पिंडारी। तो घाट पिंडारी का जो रास्ता है ना, जो घाट है मोड़ है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है,
बहुत बड़े बड़े जो हेवी गाड़ी होते हैं ना, वो लोग बहुत मुश्किल से यहाँ पर चढ़ पाते हैं ऊपर में, क्योंकि उन लोगों को एकदम धीरे 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 प्रेशर बना करके चढ़ाया जाता है। और यहाँ सामने देखिए एक टैंकर है, देखिए यहाँ पर फेल हो गया है चढ़ते चढ़ते, तो यहाँ पर अटका हुआ है। यही है घाट पेंडारी, ये बहुत ख़तरनाक मोड़ है और बहुत ख़तरनाक घाट भी बना हुआ है। तो इसका व्यू ना कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देखिए इस तरीके से, इसको बोला जाता है घाट पेंडारी। और फाइनली गाइस हम लोग बारात से वापस घर पहुंच गए और बहुत ज़्यादा थकावट लग रहा है, तो अब डायरेक्ट सोते हैं, इसके बाद उठ करके खाना वाना खाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।